पूर्व मंत्री बीजेपी नेता ललिता यादव ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार की सारी हितकारी योजनाएं बंद कर दी हैं और जो कार्य अभी चल रहे हैं वो शिवराज सरकार के कार्यकाल के ही कार्य चल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कोई नया कार्य नहीं किया है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के एक साल पूरे करने पर पूर्व मंत्री ललिता यादव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस दम भर रही है कि 365 दिन में उनकी सरकार ने 365 वादे पूरे कर दिए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी सरकार ने शिवराज सरकार की गरीबों के लिए बनाई तमाम योजनाएं बंद कर दी हैं और जो काम चल रहे हैं वह शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय के काम है। ललिता यादव ने कहा कि जिले में रेत उत्खनन में कांग्रेस के सभी विधायक और मंत्री शामिल हैं। देश में सबसे अच्छा काम कांग्रेस पार्टी ने किया है तो वो किया है अवैध उत्खनन। बड़ी बड़ी नदियों में बड़े बड़े रोड डाल दिए गए, अवैध उत्खनन हो रहा है। अवैध उत्खनन में विधायक और मंत्री सब शामिल हैं। एक साल में उन्हें जनता के बीच में एक भी काम नहीं किए। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी उस समय जो काम हुए थे आज वही काम चल रहे हैं। जनता आप अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।